जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, एक भारत के पीएम। Long years ago, we made a tryst with destiny. और दूसरे पाकिस्तान के कायदे आजम। आजाद है, आजाद है। एक भारत की आजादी के लिए लड़े तो दूसरे ने पाकिस्तान की ऐसी जिद पकड़ी कि भारत का विभाजन कराकर ही दम लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि कांग्रेस में एक साथ काम करते हुए भी नेहरू और जिन्ना एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक तरफ जहां जिन्ना कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे नेहरू को नीचा दिखाने का, तो वहीं नेहरू जिन्ना से इतने तंग आ गए थे कि 1943 में, आज़ादी से 4 साल पहले ही, नेहरू उन्हें उनका पाकिस्तान देने के लिए तैयार हो गए थे। आज के इस वीडियो में आपको मैं जिन्ना और नेहरू के बीच की इस दुश्मनी की पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, जिन्ना और नेहरू के दुश्मनी की शुरुआत होती है तब से जब से जिन्ना ने साल 1920 में कांग्रेस का दामन छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और एक अलग पाकिस्तान की डिमांड को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। जिन्ना और नेहरू दोनों ने कांग्रेस में 8 साल तक साथ में काम किया था। एक तरफ से नेहरू, जो इस विचार का हमेशा से विरोध कर रहे थे कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से अलग हैं, उनके लिए हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का आपस में मिलना जुलना ही भारत की असली पहचान थी। उनकी नज़र में भारत अमेरिका की तरह था, जिसमें हर अलग संस्कृति को अपने आप में आत्मसात करने की, एब्जॉर्ब करने की गजब की कैपेसिटी थी। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा उन्हें ठीक लगता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ से जिन्ना, जो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा काम कर रहे थे। जाहिर है कि एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती थी, और यहीं से दोनों के बीच में डिफरेंसेस की शुरुआत होती है। दोनों के बीच में जान पहचान तो 30 सालों से थी, लेकिन जब 40 का दशक आया तब दोनों के बीच में डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इस दूरी में दोनों ने एक दूसरे को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें भी कही। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो नेहरू को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा, मुस्लिम लीग के नेता एक सभ्य दिमाग के अभाव का जीता जागता उदाहरण है। अब जहां नेहरू ने यह लिखा, वहीं जिन्ना ने भी उनको कुछ ऐसा ही जवाब दिया। एक भाषण में जिन्ना ने कहा, इस युवा नेता की भारत की आध्यात्मिक एकता और सभी समुदायों के बीच भाईचारे की सोच में बुनियादी गड़बड़ है। नेहरू उस पीटर पैन की तरह हैं जो ना तो कोई चीज सीखते हैं और ना ही किसी पुरानी चीज को छोड़ते हैं। यही नहीं दोस्तों, साल 1943 में जिन्ना से नेहरू इस कदर नफरत करने लगे थे कि आजादी से 4 साल पहले ही उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा कि जिन्ना को अपने छोटे से देश को चलाने देने का फायदा यह होगा कि वो भारत के डेवलपमेंट में रोड़े कमटकाएंगे। वैसे ये बात उन्होंने अपनी जेल डायरी में सलाह के तौर पर लिखी थी, अभी तक ये बात ओपनली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। अब लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जिन्ना ने नेहरू का अपमान करने का कोई मौका छोड़ दिया। आज़ादी से पहले हुई लंदन कॉन्फ्रेंस में भारत के रक्षा मंत्री रहे बलदेव सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि जिन्ना ने उनके सामने मेज पर पड़ी माचिस की डिबिया दिखाते हुए कहा था कि अगर मुझे इसके बराबर भी पाकिस्तान मिले तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। जिन्ना ने कहा था कि अगर आप सिखों को मुस्लिम लीग के साथ आने के लिए मना लें तो हमारे पास एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा जिसके दरवाजे दिल्ली में खुलेंगे। जाहिर तौर पर नेहरू की सोच को तोड़ने के लिए जिन्ना बलदेव सिंह को अपनी तरफ मिलाना चाह रहे थे, जो कि आगे चलकर हो नहीं पाया। इस तरह से दोस्तों आज़ादी के पास तक दोनों के बीच में एक ऐसी खाई बन गई जिसे भर पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें एक करने की कभी कोई कोशिश ही नहीं हुई। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवल। उन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन सरकार में नेहरू और जिन्ना कुछ महीनों तक अगर एक साथ काम कर लेंगे तो उनके बीच एक तरह की समझ या एक तरह की सूझबूझ पैदा हो सकती है। उसी को ध्यान में रखकर वेवल ने अपनी इंटरिम गवर्नमेंट में नेहरू के नेतृत्व में 6 कांग्रेसियों, 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों और 3 छोटे अल्पसंख्यक समूहों के नुमाइंदों को मनोनीत किया था। वो भी चाहते थे कि आज़ादी से पहले ही दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाएं। इसके लिए 15 अगस्त 1946 को खुद नेहरू ने जिन्ना से मिलने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन जिन्ना ने नेहरू को इसका जवाब दिया कि अगर आप ये उम्मीद पाले हुए हैं कि मैं कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में काम करूंगा तो इसका ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
इसके बाद भी जब नेहरू जिन्ना से मिलने पहुंचे तो जिन्ना ने उन्हें काफी देर तक इंतजार कराया। शाम को 6 बजे जाकर जिन्ना और नेहरू मिले। इस मीटिंग का जिक्र लॉर्ड वेवल ने अपनी आत्मकथा में किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दोनों में ही इस मीटिंग को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं था और आखिर में ये मीटिंग जो कि करीब 80 मिनट तक चली थी, इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। लॉर्ड वेवल के बाद माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए। वो नेहरू को पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया को लेकर नेहरू से कई बातें डिस्कस की। जिन्ना के बारे में भी दोनों के बीच में जाहिर तौर पर है कि बातें हुई थी। कैंबल जॉनसन अपनी बुक माउंटबेटन में लिखते हैं कि नेहरू ने कहा, जिन्ना के बारे में सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक व्यक्ति के रूप में उन्हें काफ़ी देर से, यानी 60 साल की उम्र पार कर जाने के बाद कामयाबी मिली है। इससे पहले भारतीय राजनीति में उनकी कोई खास हैसियत नहीं थी। वो ज़्यादा अच्छे तो थे नहीं, पर कामयाब वकील ज़रूर थे। उनकी कामयाबी का रहस्य उनकी इस कैपेसिटी में नहीं थे कि वो लगातार निगेटिव रवैया अपनाए रह सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि तब नेहरू का रिएक्शन कैसा था जब जिन्ना को महात्मा गांधी ने ऑफर दिया था इंडिया का पीएम बनाने के लिए। सही सुना दोस्तों, 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 1947 तक गांधी जी ने माउंटबेटन से 5-5 बार बातचीत की थी जिन्ना को पीएम बनाने के लिए। माउंटबेटन लिखते हैं कि गांधी जी के इस ऑफर को देखकर वो चौंक गए थे। जब मैंने उनसे ही पूछ लिया कि इस पेशकश पर जिन्ना क्या कहेंगे, तो गांधी का जवाब था कि अगर आप उन्हें बताएंगे कि यह फॉर्मूला मैंने तैयार किया है, तो उनका जवाब होगा उस धूर्त गांधी ने तैयार किया था। बहरहाल, गांधी की यह पेशकश जिन्ना को फिर आगे चलकर कभी बताई ही नहीं गई। इसी बात को जिन्ना की आत्मकथा लिखने वाले एक हिस्टोरियन स्टेनली वॉलपॉट ने भी कन्फर्म किया। इसमें वो बताते हैं कि जब माउंटबेटन ने इस बारे में नेहरू से बात की थी, तो उनको ये जानकर बहुत ज़्यादा ठेस लगी कि उनके महात्मा उनकी जगह कायदे आज़म को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हुए हैं। गांधी जिन्ना को अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि इस तरह का प्रस्ताव जिन्ना को शायद पिघला सकता था, लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि ये सुझाव, ये सलाह बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इस तरह से जिन्ना और नेहरू कभी भी एक पेज पर नहीं आ सके, जिसके पीछे विचारधारा का बिल्कुल अपोजिट होना एक बहुत बड़ी वजह थी। 29 अगस्त 1947 को गवर्नमेंट हाउस में उनकी और नेहरू की दूसरे पाकिस्तानी और भारतीय नेताओं के साथ आखिरी मुलाकात हुई। ये दोनों के बीच में आखिरी मुलाकात थी और इसके 1 साल और 13 दिनों बाद जिन्ना का निधन हो गया। इस वीडियो को मैं एक बेहद इंटरेस्टिंग इत्तेफाक के साथ खत्म करूंगा, जो कि राजमोहन गांधी सरदार पटेल की जीवनी में लिखते हैं। 11 सितंबर 1948 को, जिस दिन जिन्ना का निधन हुआ था, जब उन्हें कब्र में लिटाया जा रहा था, तब नेहरू ने अपने कमांडरों को हैदराबाद की तरफ मार्च करने का आदेश दिया था, उस हैदराबाद की तरफ जिसके लिए जिन्ना चले गए थे यूएन तक। तो दोस्तों, ये बात एक इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन जिन्ना और नेहरू की लड़ाई कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि दो मुल्कों के सबसे बड़े नेताओं की लड़ाई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों से, हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।